मंगलवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 68 केंद्र पर 9,891 व्यक्तियों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,663 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 1,228 लोग शामिल रहे। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 18 से 44 साल के लोगों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीनेशन होगा। सीएमओ ने कहा कि 45 साल के ऊपर के जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं वह आधार कार्ड लेकर सेंटर पर जाकर पोर्टल से लिंक करके वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैक्सीनेशन कराने वाले मनीष राम मिलन, शोएब अहमद, रब अली और सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, मनीष कुमार श्रीवास्तव, नहीं बसारतपुर से हैं। रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी तक तो नहीं है। निःशुल्क वैक्सीन सरकार लगा रही है जी, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, गरीबों के लिए दुखियारों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। और कभी कोई सोचा नहीं था कि इस तरह से विदाउट पैसा खर्च किए हुए गरीब आदमी को, एक आम आदमी को इंजेक्शन लग जा रहा है। और बाकी और कहीं कोई लाइन लगाने के नहीं, सीधे आपका नंबर आया, 5 मिनट वेट किया, तुरंत इंजेक्शन लग गया। बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार की। बाकी लोगों से क्या कहना चाहिए? बाकी लोगों से कहना चाहिए कि सभी लोग इंजेक्शन लगवा लें, इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। और बहुत ज़रूरी है कोविशील्ड, कोवैक्सीन बहुत ज़रूरी है। राम निगम शर्मा, उत्तरी हिमाचल। रजिस्ट्रेशन कब हुआ आपका? आज हुआ। वैक्सीन लगा, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। निःशुल्क सरकार टीकाकरण करवा रही है, क्या कहना चाहिए? उसके लिए धन्यवाद। और बाकी लोगों से क्या कहना चाहिए? बाकी लोगों से कहेंगे कि टीका लगवाएं। हमारा नाम शोएब अहमद है, यह सिविल लाइन बोलकर गोरखपुर। कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया? नहीं, आज ही सुबह कराया है और आज ही मिल भी गया स्लॉट में। सरकार निःशुल्क लगवा रही है, टीकाकरण करा रही है। जी जी, क्या कहेंगे सरकार? नहीं, सरकार की व्यवस्था अच्छी है, कई लोगों को तो आसानी से स्लॉट भी मिल जा रहा है और रजिस्ट्रेशन भी हो जा रहा है। तो हम तो सरकार की व्यवस्था को संतोषजनक ही कहेंगे कि आसानी से काम हो जा रहा है। बाकी लोगों से क्या कहेंगे? बाकी लोगों से कहेंगे कि आगे बढ़ें और वैक्सीन लगवाएं। मेरा नाम है रहम अली। सरकार से बहुत आभारी हैं कि जो इंतजाम सरकार कर रही है, इससे हम आभारी हैं, इसे करते रहें हमेशा, क्योंकि जनता जागरूक रहे। बस हम सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार के लिए भाई, अब सरकार अगर ये कर रही है तो बहुत अच्छा है, और सरकार ढिलाई ना करे, पूरे हिंदुस्तान में कोई आदमी बाकी ना बचे, सबको लगवा दे। आज 68 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, उसमें से 2 महिला स्पेशल चल रहा है जो हमारी जिला महिला अस्पताल में, और एक कैंपियरगंज में चल रहा है। 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहे हैं जो हमारी बसंतपुर PSC पर चल रहा है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में चल रहा है। बाकी जगहों पर हमारा 18 प्लस और 45 प्लस का वैक्सीनेशन चल रहा है। कल हम लोग 12,000 के आसपास वैक्सीनेशन कराए और हमारा लक्ष्य जो है 14,000 से ऊपर का। लोगों में रुचि और उत्साह देखने को मिल रहा है,
और कोशिश कर रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करा सकें। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रगति है? ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन प्रॉपरली चल रहा है, वहाँ पर भी हमारी जितनी भी 20 अर्बन के 20 हमारी CSCs हैं उसमें चल रहा है, और कहीं कहीं CSC हमारी CSC के लोग जो है गांव में एरिया में भी जा कर के आशा NM से लोगों को मोबिलाइज करके अलग से भी बूथ बना रहे हैं, जिससे कि गांव तक रूट लेवल तक हमारा वैक्सीनेशन हो सके। इसके अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, सभी हमारे MOIC इसी तरह के काम करके और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम गांव के लोगों का वैक्सीनेशन करा रहे हैं। अभी तक कितने पूरे वैक्सीनेशन हो चुके हैं? अभी तक हम 6.25 लाख के आसपास का वैक्सीनेशन कर चुके हैं।